हेलो तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक नए वीडियो के साथ दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे के मोस्ट पॉपुलर डिपार्टमेंट दोस्तों जिसका नाम है सी एंडब्लू सी एन डब्ल्यू जो कि दोस्तों मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर आता है इसमें दोस्तों जो जेई होते हैं उनके हम जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे दोस्तों जूनियर इंजीनियर जो इसमें होते हैं उनके जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे उनका काम क्या होता है उनको सैलरी कितना मिलता है उनके ऊपर काम का लोड कितना होता है ड्यूटी कितना आवर का होता है दोस्तों तो इस वीडियो में हम पूरा अच्छे से बात करेंगे दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों रेलवे में जूनियर इंजीनियर आप भी बनना चाहते होंगे इसीलिए आप शायद ये वीडियो को देख रहे होंगे तो दोस्तों अगर आप रेलवे में जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं और बन जाते हैं तो शायद आपको ये पोस्ट मिल जाए ये डिपार्टमेंट आपको मिल जाए इसीलिए दोस्तों आप क्या कीजिए कि इस वीडियो को पूरा देखिए और डिटेल से जानिए कि जो जूनियर इंजीनियर होते हैं सी एंड डब्ल्यू में उनका क्या जॉब प्रोफाइल होता है उनका क्या काम होता है उनका वर्कलोड कितना होता है सारा इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारा वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि हमारे इस चैनल को को आप जरूर जरूर से सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों क्योंकि हम आपके लिए इस टाइप के वीडियो हमेशा लाते रहेंगे तो आइए आप जानते हैं कि सी एंड आखिर होता क्या है तो दोस्तों सी एंड डब्ल्यू का मतलब होता है कैरीज एंड वैगन ये जो डिपार्टमेंट है दोस्तों वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर आता है तो कहा जाए तो रेलवे का सबसे फेमस डिपार्टमेंट है सबसे प्रचलित डिपार्टमेंट है लगभग सभी लोग इसमें आना चाहते हैं और इसमें नौकरी करना चाहते हैं डिपार्टमेंट में दोस्तों रेलवे का जो डब्बा है जो बोगी है उसका रिपेयरिंग किया जाता है उसका सर्विसिंग किया जाता है प्रकार दोस्तों हम लोग अपने मोटरसाइकिल को अपने कार को समय समय पर सर्विसिंग करवाते हैं एक फिक्स टाइम के लिमिट के अंदर उसी टाइप से इस डिपार्टमेंट में दोस्तों रेलवे का जो बोगी होता है जो डब्बा होता है उसको समय समय पर रिपेयरिंग किया जाता है दोस्तों जो काम करने वाले स्टाफ होते हैं वो आपके ग्रुप डी के स्टाफ होते हैं टेक्नीशियन के स्टाफ होते हैं और जूनियर इंजीनियर होते हैं और फिर एस yeah. होते हैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर काम होता है दोस्तों वो अलग अलग होता है लेकिन सभी इसी डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं लेकिन सबका जो काम होता है वो अलग अलग होता है किसको क्या करना है सबको बटा हुआ रहता है तो इन सबों में हम बात करेंगे आज जूनियर इंजीनियर के बारे में कि जूनियर इंजीनियर का इस डिपार्टमेंट में क्या काम होता है ड्यूटी कितना घंटे का होता है उसको सैलरी कितनी दी जाती है उनका वर्कलोड कितना होता है और क्या अच्छा है जूनियर इंजीनियर का जॉब सी में में अच्छा अच्छा है 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 इसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या अच्छा है नहीं दोस्तों अगर आप रेलवे जूनियर इंजीनियर का एग्जाम सीबीटी वन सी बी टी टू पास करते हैं इसके बाद दोस्तों जब रिजल्ट आता है दोस्तों तो दोस्तों रिजल्ट आने के बाद आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है इसके बाद मेडिकल होता है दोस्तों मेडिकल होने के बाद दोस्तों आपका मेरिट आता है मेरिट आने के बाद दोस्तों एक पैनल भी आता है तो दोस्तों जो पैनल आता है उसी पैनल में आपका डिवीजन लिखा होता है कि आपको कौन सा डिवीजन मिला है और आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है दोस्तों इसके बाद दोस्तों जो डिवीजन आपका मिला है उस डिवीजन में जाके आप अगर ज्वाइन कर लेते हैं ज्वाइनिंग लेटर के बाद आप ज्वाइन कर लेते हैं ज्वाइनिंग लेटर के बाद आप ज्वाइन कर लिए उस डिवीजन में जाके तो दोस्तों डिवीजन क्या करता है कि आपको ट्रेनिंग करवाता है ट्रेनिंग जैसे कि आपको मान लीजिए सी एंड डब्ल्यू मिला कैरीज एंड वैगन मिला तो कैरीज एंड वैगन का आपको ट्रेनिंग करवाता है छः महीने का आपको क्लास ट्रेनिंग करवाता है अगर जो डिवीज़न के अंदर डिवीज़न के अंदर अगर जो ट्रेनिंग सेंटर है तो आपको डिवीज़न के अंदर ही ट्रेनिंग करवाएगा लेकिन दोस्तों मान लीजिए कोई डिवीज़न है जिसके अंदर ट्रेनिंग सेंटर नहीं है तो आपको कोई दूसरे जगह पर आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा क्लास ट्रेनिंग के लिए दोस्तों जैसे कि मान लीजिए आपको झांसी है खड़गपुर है ये सब जगह है दोस्तों सी का जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर आपको भेज देगा शायद सिकंदराबाद में भी है वहाँ पर आपको भेज देता है जब छः महीने आप क्लास ट्रेनिंग करके आ जाते हैं उसके बाद दोस्तों आपको क्या करता है कि डिवीज़न के अंदर फिर आपको छः महीने का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देता है प्रैक्टिकल मतलब सी एन डब्ल्यू जहाँ काम होता है वहाँ पर आपको छः महीने का ट्रेनिंग देता है इसके बाद दोस्तों ट्रेनिंग हो जाने के बाद दोस्तों आपको ट्रेनिंग हो जाने के बाद दोस्तों आपको एक कोई स्टेशन पर अपॉइंट कर दिया जाता है मेनली जो होता है जो सी एंड डब्ल्यू जो डिपार्टमेंट होता है वो बड़े बड़े स्टेशनों पर होता है जहाँ पर मान लीजिए जहाँ पे यार्ड होता है जहाँ पे जंक्शन होता है बड़े बड़े डिवीजन होता है जंक्शन होता है वहाँ पे सी एंड डब्ल्यू होता है आप कहीं देखे होंगे गए होंगे तो आप देखे होंगे कि बड़े बड़े स्टेशनों पर सी एंड डब्ल्यू ए लिखा होता है सीनियर सिंटन इंजीनियर का स्टेशन पे ही ऑफिस होता है दोस्तों ये बड़े स्टेशन पे ही क्यों होता है क्योंकि दोस्तों जो भी ट्रेन आती है वहाँ पे खड़ी होता है वो बहुत सारा लाइन होता है उसमें दोस्तों एक पिट लाइन होता है पीट लाइन पे क्या होता है पीट लाइन पर ट्रेन को खड़ा कर दिया जाता है और वहीं पे क्या होता है कि तो उसका सारा चीज़ चेकिंग होता है जो भी मेंटेनेंस की चीज़ है वो चेकिंग होता है जैसे पानी वानी भी भरा जाता है ठीक है तो पानी वानी भरना तो अब जो कॉन्ट्रैक्ट वालों को दे दिया गया है लेकिन फिर भी वो जो सी एन डब्ल्यू के एस एस सी होते हैं उनके अंदर ही वो काम करते हैं तो उसका भी जो देख रेख आपको करना होगा काम करवाना होगा वो भी जूनियर इंजीनियर ही करवाते हैं उनके देख रेख में ही प्राइवेट वाले भी काम करते हैं का मतलब है दोस्तों कि हर एक बड़े बड़े जो स्टेशन है वहाँ पे सी एंड डब्ल्यू डिपार्टमेंट होता है जैसे कि मान लीजिए आपका ट्रेन खड़ा हुआ तो उसका खिड़की को बंद करना है वो खिड़की को बंद करना है उसका दरवाजे को बंद करना है ये जो भी काम होता है वो सी एंड डब्ल्यू के अंदर होता है फिर दोस्तों आपका मान लीजिए कि ट्रेन रुका ट्रेन रुका तो उसका पहिया को देखना है पहिया को देखना है उसका कि पहिया कहीं सही से घूम तो नहीं रहा है उसमें कोई बैरिंग वायरिंग तो खराब नहीं है सारा चीज़ मतलब उसमें चेक करना होता है आपका ब्रेक पावर चेक करना होता है ब्रेक पावर की ब्रेक कहीं कोई पहिया का स्लिप तो नहीं हुआ है फिर उसको दोस्तों क्या होता है कि सारा चीज़ चेकअप के करने के बाद गार्ड को बी पी दिया जाता है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट जो कि दोस्तों रेलवे के जो एस होते हैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर उनके द्वारा दिया जाता है जैसे कि मान लीजिए सारा चेकिंग हो गया वहाँ से ट्रेन खुलने वाली है तो ट्रेन खुलने के पहले बी सर्टिफिकेट दिया जाता है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो होते हैं सी एन डब्ल्यू का वो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट देते हैं गार्ड को देते हैं गार्ड को कि कितना देर के लिए सात घंटा के लिए आठ घंटा के लिए बारह घंटा के लिए चौबीस घंटा के, के लिए देते हैं कि जब यहाँ से ट्रेन वहाँ तक जाएगी इतने घंटे तब तक के लिए ये सर्टिफिकेट है उतना तक आपका सही रहेगा ट्रेन इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर जब मान लीजिए कि बारह घंटा का सर्टिफिकेट मिला बारह घंटा में ट्रेन जो है मान लीजिए बारह घंटा में ट्रेन आपका मान लीजिए तिरुपति से पहुंच गए तिरुपति से कहाँ विशाखापट्टनम पहुंच गए बारह घंटा चौदह घंटा में पहुंच गए मान लीजिए उतना देर में पहुंच गए तो फिर वहाँ पर जो होगा वहाँ पर फिर चेकिंग होगा उसको विशाखापट्टनम तिरुपति से चेक होके गया फिर विशाखापट्टनम चेक होगा फिर फिर वहाँ का जो एस है फिर बी सर्टिफिकेट देगा उसको ब्रेक पावर सर्टिफिकेट अगला स्टेशन तक जहाँ तक सी का होगा तो फिर वहाँ पर भी उसका चेक होगा तो दोस्तों इसी प्रकार से क्या होता है कि एसएससी और जूनियर इंजीनियर जो होते हैं अपने जो स्टाफ होते हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट वाले स्टाफ होते हैं ग्रुप डी के स्टाफ होते हैं टेक्नीशियन होते हैं उनके द्वारा वो सारा काम को करवाते हैं करवाना काम होता है जूनियर इंजीनियर को उनका काम होता है काम को मैनेजमेंट करना देखना कि हमारा स्टाफ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है सुपरविजन करना काम होता है उनका अब बात करें दोस्तों ड्यूटी आवर की तो दोस्तों ड्यूटी आवर जो इनका होता है आठ घंटा का होता है आपको आठ घंटा ड्यूटी करना है इसके बाद दोस्तों आपका अपना क्वार्टर अपना घर है नज़दीक तो घर चले जाना है दोस्तों आठ घंटा की इनकी ड्यूटी होती है शिफ्ट का ड्यूटी होता है इनका दोस्तों आपकी ड्यूटी नाइट की लगती है तो आपको नाइट अलाउंस भी दिया जाता है दोस्तों अलग से दोस्तों मान लीजिए आप महीने में नाइट किए दस दिन दस दिन आप नाइट किए तो दस दिन का आप लगभग चार पाँच हज़ार रुपया नाइट अलाउंस आपको मिल जाता है एक्स्ट्रा सैलरी के अलावा और दोस्तों आपका जहाँ भी पोस्टिंग होता है बड़े स्टेशन पर ही पोस्टिंग होता है क्योंकि दोस्तों बड़े स्टेशन पर ही सी एन डब्ल्यू का ऑफिस होता है बड़े स्टेशन पर बड़े जंक्शन पर ही सी एंड डब्ल्यू का ऑफिस होता है वहीं पर आपका आपका आप पोस्टिंग होता है अच्छा क्वार्टर मिलता है और आपका मतलब कोई भी दिक्कत वहाँ होने वाला नहीं है क्योंकि आप बड़े स्टेशन पर रहते हैं तो आप अच्छे से आपका लाइफ स्टाइल बीतेगा रहेगा अब दोस्तों बात करें वर्कलोड की तो दोस्तों ज़्यादा कुछ वर्कलोड होता नहीं है बस आपको जो भी ट्रेन आया उस ट्रेन को आपको अच्छा से देखना है तकवाना है चेक करवाना है टेक्नीशियन से और ग्रुप डी के स्टाफ होते हैं उनसे आपको आठ घंटा का ड्यूटी है और फिर आराम से अपना क्वार्टर रूम जाना है डेली आठ घंटा का ड्यूटी रहेगा आपको कोई ज़्यादा वर्कलोड होता नहीं है कोई ज़्यादा प्रेशर होता नहीं है दोस्तों तो दोस्तों मिला जुला के ये जो जॉब है जूनियर इंजीनियर सी एन डब्ल्यू का वो बहुत अच्छा है और बात करें दोस्तों सैलरी की तो इसमें जो सैलरी होता है दोस्तों आपको लेवल सिक्स लेवल सिक्स के अनुसार इसमें आपको सैलरी दिया जाता है बयालीस सौ ग्रेड पे के अनुसार आपको सैलरी दिया जाता है इसमें आपका जो बेसिक पे मिलता है दोस्तों पैंतीस हज़ार चार सौ का आपको बेसिक पे मिलता है और बेसिक पे का थर्टी एट परसेंट अभी दो हज़ार बाईस के हिसाब से नवंबर दो हज़ार बाईस के हिसाब से आपको बेसिक पे का पैंतीस का आपको अड़तीस परसेंट दिया जाता है आपको दोस्तों ट्रांसपोर्ट अलाउं ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको दिया जाता है चौबीस का फिर आपको दोस्तों आपको दोस्तों एच दिया जाता है जो सी एन डब्ल्यू का जो ऑफिस होता है वो अच्छा स्टेशन पर होता है तो जो अच्छा स्टेशन पर होता है तो आपको लगभग हमको लगता है कि अठारह परसेंट का आपको मिलेगा अठारह परसेंट का बड़े स्टेशनों पर ज़्यादा एच आर आए मिलता है छोटे स्टेशनों पर दस परसेंट जो मीडियम स्टेशन है उस पर अठारह परसेंट और जो मेट्रो सिटी है वहाँ पर आपको अट्ठाईस परसेंट मिलता है तो दोस्तों आपको अठारह परसेंट एच आर ए तो एकदम मिलेगा जिसमें आपको आराम से आपका दोस्तों जो है सात हज़ार आठ हज़ार रुपया आराम से आपको हो जाएगा एच आर ए तो मिला जुला के जो सैलरी होता है दोस्तों वो पूरा हम मिलाए तो पचपन से साठ हज़ार इनकी सैलरी हो जाती है अगर जो दोस्तों आप मान लीजिए नाइट ड्यूटी भी मिला लेते हैं तो चार पाँच हज़ार नाइट ड्यूटी का बन जाता है तो वहाँ पे दोस्तों सैलरी आपकी और ज़्यादा होने का चांस है आपको आ, ऐसे तो छप्पन संतान अगर नाइट वाइट मिला लेते हैं तो सिक्सटी प्लस आपका सैलरी रहता है अब दोस्तों है बात करें प्रमोशन की दोस्तों तो आप शुरू में जब ज्वाइन करते हैं तो आप जूनियर इंजीनियर बयालीस सौ ग्रेड पे में होते हैं इसके बाद दोस्तों आपका तीन से चार साल बाद पाँच साल मानिए पाँच साल मिनिमम उसके बाद दोस्तों आप एस बनते हैं एस सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनते हैं इसके बाद दोस्तों आप एडियन बनते हैं असिस्टेंट डिवीज़नल इंजीनियर इसके बाद दोस्तों आप डिवीजनल इंजीनियर बनते हैं फिर सीनियर डिवीजनल इंजीनियर बनते हैं तो इसी प्रकार से इनका प्रमोशन का क्राइटेरिया है दोस्तों इसी प्रकार से इनका प्रमोशन होता है जो एडियन होता है दोस्तों एडियन असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर वहाँ से जो पोस्ट होता है दोस्तों वो गेजेटेड होता है आप गेजेटेड ऑफिसर का नाम सुने होंगे तो एसएससी के बाद का जो पोस्ट है वो गेजेटेड ऑफिसर का पोस्ट है तो दोस्तों रेलवे में जब आप जूनियर इंजीनियर बनते हैं तो आपको गेजेटेड ऑफिसर बनने का भी चांस रहेगा आप देखे होंगे कहीं भी कि जब रेलवे कहीं भी अगर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं तो क्या बोलता है कि डॉक्यूमेंट में गेजेटेड ऑफिसर का साइन होना चाहिए तो दोस्तों जिस जिस भी डॉक्यूमेंट पर टू कॉपी डॉक्यूमेंट पर आप साइन कर दिए उस डॉक्यूमेंट का आपका वैल्यू हो जाएगा तो गेजेटेड ऑफिसर जो होते हैं उनका साइन का बहुत वैल्यू हो जाता है तो दोस्तों जो गेजेटेड ऑफिसर आप भी बन सकते हैं अगर जो रेलवे में जूनियर इंजीनियर बन गए तो तो जो एसएससी का बाद का जो पोस्ट होता है एडियन असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर वहाँ से गेजेटेड का पोस्ट स्टार्ट हो जाता है वो ग्रुप बी में आता है गेजेटेड तो ठीक है दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों तो दोस्तों अभी तक भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके जरूर से जरूर कर दीजिए दोस्तों ये मेरा रिक्वेस्ट है क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इस टाइप के वीडियो हमेशा लाते रहेंगे दोस्तों ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद